आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना के लिए पंजीयन जल्द ही चालू होने वाले हैं। पहले ये पंजीयन 15 जून 2023 से चालू होने वाले थे, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुए हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये पंजीयन कब से चालू होंगे, पूरी जानकारी हम देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं सामने एक साइट खुली हुई है, mmskby.mp.gov.in। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत पंजीयन जल्द ही चालू होने वाले हैं। ये पंजीयन जो चालू होंगे, आपके ऊपर आप देख सकते हैं मैसेज दे रहा है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 25 जून 2023। तो ये रजिस्ट्रेशन आपके 25 जून 2023 से प्रारंभ होंगे। तारीख इनके द्वारा घोषित कर दी गई है, पूर्व में ये 15 जून थी, अभी इसको बढ़ा के 25 जून 2023 कर दी गई है। तो अब 25 जून को अपन देखते हैं कि ये 25 जून से चालू होते हैं या नहीं, या फिर इसकी तारीख और आगे बढ़ाई जाती है। तो 25 जून तक का आप इंतजार करिए। अधिक जानकारी के ऊपर हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दी है, 9 बजे से 6 बजे के बीच आप हेल्प डेस्क में कॉल कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रतिष्ठान है तो प्रतिष्ठान के पंजीयन अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये प्रतिष्ठान के पंजीयन चल रहे हैं। ये आपके पास प्रतिष्ठान के पंजीयन के लिए आपके पास ये सब प्रकार की दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए। ये दस्तावेज आपको लगेंगे, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रतिष्ठान है और प्रतिष्ठान के तहत आप पंजीयन करना चाहते हैं तो प्रतिष्ठान के पंजीयन अभी चालू है। वहीं आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के तहत पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको 25 जून 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 25 जून 2023 से पंजीयन स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ नीचे मैसेज इन्होंने लिखा था 7 जून 2023 से, लेकिन वो तारीख बढ़ के पहले 15 हुई, 15 तारीख के बाद अब ये तारीख 25 जून 2023 हो चुकी है। तो आप सभी 25 जून 2023 का इंतजार करिए। 25 जून 2023 से अनुमानित है कि इनके पंजीयन चालू हो जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। धन्यवाद।